What's up? So I am Tamoghna Ghosh. I am currently doing MBBS at AIIMS New Delhi, and this is the next video on my channel. So today I'll be talking about a doubt which most of you people have regarding NEET. Ki I want to be successful in NEET, I want to do very well in NEET, I want to score very good marks in NEET. But how many MCQs to solve each day? How many MCQs are enough to ensure that I get a very good college, the seat that I desire? So iske bare mein I'll be discussing with you today. So do watch the video till the end, okay? So dekho, abhi jo stage hai na, abhi aapko padhna bhi hai, practice bhi karna hai, dono balance karna hai. पहले आई यूज टू से कि यू इन्वेस्ट मोर टाइम इन रीडिंग एंड लेस टाइम इन सॉल्विंग द एमसीक्यूज. लाइक मैं ऐसा बोलता था कि मेंटेन अ 2:1 रेशियो, कि अगर आप 2 घंटा इफ यू आर रीडिंग गिव 1 आवर टू प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. बट अभी आई विल से कि द रेशियो शुड बी 1:1, ठीक है? तो अभी अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटा एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं. तो अभी 5 महीना लगभग बचा है फॉर नीट 2020, एंड यू हैव टू मेक द गुड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टाइम. अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो नीट 2020 में आपका एक बहुत अच्छा रैंक आएगा, आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. और अगर नहीं करते हो तो नहीं आने वाला है, राइट? तो देखो, अभी 1:1 जो रेशियो में बताया, इसमें भी थोड़ा वेरिएशन रहेगा. ये 1:1 रेशियो आपका केमिस्ट्री में बिल्कुल वैलिड है, ठीक है? तो सपोज आप केमिस्ट्री 1 घंटा पढ़ो, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, तो आप 1 घंटा प्रैक्टिस करो. लेकिन बायोलॉजी में ये रेशियो थोड़ा डिस्टर्ट होगा, क्योंकि बायोलॉजी में चीज़ें याद करने का ज़्यादा है और सॉल्व फास्ट हो जाता है. देखो, ऐसा होता है कि अगर बायोलॉजी का 50 MCQ सॉल्व कर रहे हो तो 50 MCQ सॉल्व करने सपोज आपका 40 मिनट्स लग रहा है, सपोज. लेकिन अगर आप फिजिक्स में 50 MCQ सॉल्व करोगे तो आप 40 मिनट्स में नहीं कर पाओगे, तो उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है? तो देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स रखना है, तीनों सब्जेक्ट में इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली बांटना है. बायोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा आप कर सकते हो, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज भी एग्जाम में ज़्यादा है. लेकिन 2:1 रेशियो में मत करना. जैसे बायोलॉजी का वेटेज है 360, फिजिक्स का वेटेज है 180, केमिस्ट्री का वेटेज है 180. तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको 2:1 रेशियो मेंटेन करना है. लेकिन बायोलॉजी में आप ऐसा कर सकते हो, अगर फिजिक्स में आप 50 MCQ सॉल्व कर रहे हो, बायोलॉजी में आप 60 MCQ सॉल्व कर सकते हो. और वो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, बायोलॉजी का वो 60 MCQ आप फिजिक्स का 50 MCQ के कंपेरिजन जल्दी सॉल्व कर लोगे, राइट? क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादा सोचना नहीं होता और वो सिर्फ रिकैपिचुलेट होता है. तो आप ऐसा कर सकते हो कि बायोलॉजी में अगर आप 1.5 आवर्स पढ़ रहे हो तो आप 1 घंटा MCQ सॉल्विंग में दो. और फिजिक्स में ये रिवर्स है, कि अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 1.5 आवर्स MCQ सॉल्विंग में दो. तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर केमिस्ट्री इफ यू आर स्टडिंग द थियोरी फॉर 1 आवर, इन्वेस्ट 1 आवर इन MCQ सॉल्विंग. For biology, if you are studying for 1.5 hours, invest 1 hour to MCQ. And for physics, if you are studying for 1 hour, invest 1.5 hour to MCQ. ये if you are confused, just लिख लो, एक जगह पे लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. अब बात करते हैं कि what is the ideal number of MCQs that you should solve per day, keeping in mind कि आपका pre-board exam आ रहा है, आपको पढ़ना भी है, ठीक है? आपको कोचिंग भी जाना है. आई होप कि अभी स्कूल तो नहीं जाना है, क्योंकि स्कूल ओवर हो चुका है, तो आई एम एज्यूमिंग दैट. तो उसके हिसाब से आई विल बी टेलिंग यू. तो देखो, आई वुड से कि फिजिक्स में आप डेली 50 MCQs लगाओ, और वो जो 50 MCQs लगाओगे वो सारा सेम वैरायटी का नहीं होना चाहिए. बट आई मीन इज़ दैट कि आप एफ इक्वल टू एम एल जस्ट इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन का 10 क्वेश्चन लगातार मत करो. 1 क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो, ठीक है, लेकिन 10 क्वेश्चन मत करो. क्योंकि अगर आप 2 क्वेश्चन करते हो, 10 क्वेश्चन करते हो, मीनिंग सेम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वैल्यूज ही प्लग इन करना है, राइट? तो कोई मतलब नहीं बनता 10 क्वेश्चन करने का. तो 2 क्वेश्चन करो, वो काफ़ी है. तो वैरायटी लाओ क्वेश्चंस में. तो ये एक पॉइंट है. तो फिजिक्स में आप पर डे 50 MCQ सॉल्व कर सकते हो. केमिस्ट्री में आप थोड़ा कम कर सकते हो, क्योंकि देखो फिजिक्स मोर डिफिकल्ट है. तो केमिस्ट्री में आप पर डे 40 MCQs कर सकते हो, वो भी ऑलमोस्ट इक्वली बांट लेना तीनों
सेक्शंस में फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रोज आपको तीनों सेक्शन करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन आप फिजिकल कर लिए 40 MCQs, देन अगले दिन आप ऑर्गेनिक का 40 MCQs कर सकते हो, और अगले दिन आप इनऑर्गेनिक का 40 MCQs कर सकते हो। तो ऐसे कर सकते हो, तो केमिस्ट्री का 40 MCQs पर डे ट्राई टू डू, फिजिक्स का 50 MCQs पर डे ट्राई टू डू। तो देखो, फिजिक्स का 50 MCQs करने में आपको लगभग इट विल टेक 80 to 100 minutes, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग कि आप ठीक ठाक स्पीड में करोगे, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं करोगे, बहुत जल्दी भी नहीं करोगे। बहुत जल्दी करो तो बहुत अच्छी बात है, बट ऑन एन एवरेज इट विल टेक यू अराउंड 80 to 100 minutes। केमिस्ट्री का 40 MCQs विल टेक यू अराउंड 60 मिनट्स, ठीक है, इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर। अगर आप फिजिकल करो तो, अगर आप इनऑर्गेनिक करो तो 40 MCQs आपका 20 मिनट में भी हो सकता है, ठीक है। और बायोलॉजी में आई वुड से कि यू डू 60 MCQs पर डे। तो 60 MCQs करने में आपको मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स चाहिए होगा, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी में देख के ही आपको टिक करना है, ठीक है। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन पता है आप तुरंत टिक करके आओगे, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता आप कहीं से डिराइव तो नहीं कर सकते ना बायोलॉजी का। जैसे फिजिक्स में क्या होता है कि कोई फॉर्मूला चलो भूल गया, फिर भी बेसिक कंसेप्ट से वी कैन डिराइव द फॉर्मूला, लेकिन बायोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप 30 मिनट्स में पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो फिर से एक बार रिपीट करते रहो, बायोलॉजी का 60 MCQ पर डे, फिजिक्स का 50 MCQ पर डे, और केमिस्ट्री का 40 MCQ पर डे। बायोलॉजी में वेटेज इसलिए ज़्यादा क्योंकि जो रियल एग्जाम है उसमें भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 360 मार्क्स है, वेरस फिजिक्स और केमिस्ट्री में 180 ईच है। तो इसलिए बायोलॉजी में अगर आप बहुत अच्छा हाई स्कोर कर लोगे तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री नेग्लेक्ट करना है, वो भी अच्छे से पढ़ना है। तो आप अभी के लिए ऐसे पढ़ो, नेक्स्ट मंथ आई विल बी अगेन पोस्टिंग सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो जिसमें स्ट्रेटेजीज में थोड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि तब 4 मंथ्स विल बी लेफ्ट, राइट, अभी 5 मंथ्स लेफ्ट है। तो ईच मंथ आई विल बी अपडेटिंग यू विद दिस काइंड ऑफ वीडियोस कि कितने घंटा इन्वेस्ट करना है, कितना MCQs करना है पर डे। तो आप ये रिलीजियसली फॉलो करो, बिलीव मी आप नीट 2020 में बहुत अच्छा करोगे अगर आप ये अच्छे से फॉलो करोगे। तो अगर आप चिल मारोगे कुछ नहीं करोगे तब तो कुछ नहीं होने वाला, तो आपको मेहनत करना है। और बाय द वे, मैं जो बोला था कि नीट फॉर्म फिलिंग का डाउट्स, वो नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई टू मेक इट इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मे बी आज वो फॉर्म का जो रूल्स है वो आई वॉज सीइंग, आई वॉज गोइंग थ्रू इट। देखो, मैं वीडियो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लेट ला रहा हूँ क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ फुल प्रूफ आइडिया। मैं आप लोगों को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ ताकि आप मुसीबत में फंस जाओ, राइट। तो सो दैट आई गिव यू ऑल द राइट इन्फॉर्मेशन, आई नीड अ बिट ऑफ टाइम, आई होप यू अंडरस्टैंड। और मेरा एग्जाम भी है, एग्जाम भी आ रहे हैं, तो अभी थोड़ा ब्रेक था इसलिए आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं एग्जाम के बीच में भी वीडियो बना रहा हूँ। तो यार जरूर लाइक करना, एंड इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब, एंड डू प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन फॉर फर्दर वीडियोज, द coming videos which will be very important for NEET 2020, so for your benefit, so that you get a very high score, you get a very good rank, do subscribe and do press on the bell notification icon. So, milte hai agle video pe, bye for now.